शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वो दोनों तो गए, क्या क्या हो रहा है इस घर में पता नहीं। नहीं छोड़ेंगे वो, यह सर उन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सेफ के सारे पैसे और कहने का आ गए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ये सर की आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब ये नाटक बंद करो और साफ साफ कहो सेफ के सारे पैसे और गहने कहाँ गए। अरे मुझे क्या पता, झूठ बोल रहे हो तुम। सारे पैसे चुरा लिए इसलिए तुम जा रहे हो। मैंने पैसे चुराए? पुलिस को बुलाओ, बुलाओ पुलिस को, वो बताएगी किसने पैसे चुराए और यश सर के बारे में भी वो बताएगी। तिवारी, अगर पुलिस तक बात पहुंची तो हम तीनों जेल में होंगे। हाँ, और लीजा तुम समझने की कोशिश करो, रात काफी हो गई है, सुबह बात करेंगे। नहीं नहीं, बुलाइए पुलिस, बुलाइए बुलाइए पुलिस। तिवारी कल बात करेंगे। हाँ चलो लीजा, तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। हाँ हम कल निकलने का एग्जाम करेंगे, ठीक है, चलो। क्या है सब? हाँ पीटर साहब, मैं इस घर में अकेले नहीं रह सकता। आप लोग जहाँ जहाँ जाओगे मैं आपके साथ आऊंगा। यश सर की आत्मा है यहाँ। तिवारी, दिन में आत्मा नहीं आती। हाँ उनके आने का वक्त रात में होता है। और हम जा तो रहे टिकट करवाने। झूठ झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अरे ये देखो, ये मेरा पासपोर्ट, लीजा का पासपोर्ट, अभी टिकट का इंतजाम करके आएंगे। मेरा पासपोर्ट भी लीजिए, मेरा टिकट भी कराइए। ठीक है ठीक है, रिलैक्स, चलो आराम से। कहीं जा रहे हैं? लेने जा रहे हैं। कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। पासपोर्ट के साथ एक बैड न्यूज है आपके लिए। बैड न्यूज? वो चाबी वाला, रात उसका मर्डर हो गया। गया? वो भी गया? चाबी वाले से मेरा क्या लेना देना? लेना देना नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आता और ना आपसे ये सब बातें कहता। मतलब? ये चाबी वाले का फोन। ये नंबर तुम्हारा है ना? तुम्हारा है ना? हाँ। आखिरी बार फोन उसने आपको किया और वो भी रात के 2 बजे। हेलो, जवाब नहीं आएगा, मैंने डायल किया है, ये लोबो का फोन है, रात उसका भी मर्डर हो गया। गया? वो भी गया? लोगों ने मरने से पहले अपने फोन से आखिरी बार तुमसे बात की और 2 मिनट बात हुई। क्या मैं जान सकता हूं कि रात के 1 बजे उसने तुमसे क्या बातें की? वो लोगों मेरा दोस्त था, उसने ऐसे ही फोन किया था। नहीं मिस्टर पीटर, कभी कोई बिना मोटिव के किसी को ऐसे फोन नहीं करता, कहीं कोई ना कोई मोटिव होता जरूर है। मोटिव तलाश करके मैं वापस आऊंगा। मार्क माय वर्ड्स, कानून की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है। पीटर मुझे डर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? होगा। हाँ प्रॉब्लम होगा, टिकट का इंतजाम करो।
समय राजेश का कत्ल हुआ उस समय आप कहाँ थी? सर मैं ऑफिस के काम से बाहर गई थी और जैसे मैं पहुंची मैंने देखा राजेश जी टेबल के नीचे पड़े हुए और उनकी गर्दन के बीच में नाइफ फंसा हुआ था। जब तुमने उनको देखा वो मर चुके थे? सर वो मर चुके थे और तभी मैंने आपको कॉल किया था। आप लोग तो शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, यहाँ कैसे? मैं तो भूल ही गया, शॉपिंग के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसा यहाँ राजेश के यहाँ से मिलने वाला था। सर मैं समझा नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। मैं कोई पजल सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ। आप लोगों ने यश की गैर मौजूदगी में उसकी प्रॉपर्टी का सौदा कर लिया, टोकन भी ले लिया और आज पूरी पेमेंट लेने के लिए यहाँ आए हैं, है ना? खिसक गई ना जमीन पांव के नीचे से। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, सबूतों की रोशनी में बात करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स राजेश की टेबल पर पड़े मिले, वो शायद आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। था? मर गया? हाँ? या किसी ने उसे मार दिया? एक रात में तीन तीन मर्डर होते हैं, तीन तीन, और उनमें से हर एक का कनेक्शन किसी न किसी तरह से आप लोगों के साथ होता है। जुर्म चाहे दो गज जमीन के नीचे क्यों न दफन हो, एक ना एक दिन कब्र फाड़कर बेपर्दा होता जरूर है। मेरी इजाजत के बगैर आप लोग ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। Give me your passports. Come on, hurry up. Mark my words. आप लोगों का मुझसे बच निकलना नामुमकिन है। गिद्ध की तरह पैनी नजर है आप लोगों पर। Close watch. तुम्हारी वजह से हो रहा है, अब हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं है। अच्छा, पैसों के लालच में तुमने यश से शादी की? वो तो मैं था जो तुम्हें अब तक बचाता रहा, नहीं तो नेम और फेम के चक्कर में तुम कब बन गई होती। How dare you call me? You dirty scoundrel! To hell with your property and your money. I'm leaving you right now. Just leave me. I don't need you. Go. अच्छा। Go to hell. नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, ये हम दोनों को फंसाकर भाग जाना चाहता है। जा सकते हैं। लीजा बैग छोड़ो। प्लीज लीजा, मैंने कहा बैग छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। तो इसीलिए तुम मुझे छोड़ के जा रहे थे? धोखा, मुकेश तिवारी के साथ धोखा? भाग रहे थे हैं? रुपए और गहने लेकर भाग रहे थे और आप मुझ पे शक कर रही थी? लीजा ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता ये सब मेरे बैग में कैसे आया। लग गए पर लग गए, जो पैसे और गहने उड़कर बेड में आ गए। लीजा बिलीव मी, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? आई लव यू लीजा। हाँ, यू से यू लव मी, झूठे बकार, यू चीटर, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, धोखेबाज।
पीटर उठो, पीटर। ओह माय गॉड, पीटर, पीटर उठो। गया, ये भी गया। अब पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करेगी। पुलिस ले जाएगी मुझे। मारा है? नहीं, आपने इसे मारा है। पीटर, मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा। मैं जेल ही जाना चाहती। तिवारी, कुछ करो प्लीज। गाड़ देंगे, इसे भी गाड़ देंगे, वहीं गाड़ देंगे इसे भी। गई। मुझे जिंदा दफना के जब तुम दोनों चले गए थे, तब तिवारी ने मेरी जान बचाई। तुम तो तिजोरी का सारा पैसा लेके भागी जाती अगर इसने मेरा साथ नहीं दिया होता। था, मैं पहले से ही सर के साथ था, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मुझे डर था कि आप लोग मुझे भी ना मार डालो। मैंने सर के कहने पर तिजोरी में से पैसे और गहने निकाल कर पीटर के बैग में रख दिए थे और मैंने रिवॉल्वर की असली गोली निकाल के नकली डाल दी थी ताकि मौका पाकर मैं तुम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर सकूं। इत्तेफाक से ब्रोकर राजेश को मैं पहले से जानता था। तुम लोगों से मिलने के बाद राजेश सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। यस सर, यश मल्होत्रा की जितनी प्रॉपर्टी की डीलिंग है वो मैं ही करता हूं और जहाँ तक मुझे पता है वो आउट ऑफ टाउन है और ये लोग उनके एब्सेंस में ये प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं। सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ब्रावो, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेशन वैसे चल रहा है, आगे जो भी डेवलपमेंट हो प्लीज टेल मी। थैंक्स। थैंक यू सर। या उसके बाद मैं यश से मिला और सारी बात पता चली। मैं चाहता तो तुम दोनों को उसी वक्त अरेस्ट कर सकता था, लेकिन यश ने मुझे रोक दिया। वो तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता था। उसकी फीलिंग देखकर मैं रुक गया और उसके प्लान में शामिल हो गया। ये मेरा दोस्त है शिवा का। इतना आसान था क्या मर्डर कर देना और निकल जाना? मार्क माय वर्ड्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। तुमने तो सोच लिया था कि मैं मर के आत्मा बन गया हूं, कमरे में भी हूं और बाहर भी, लोगों के साथ भी हूं और तुम्हें घर में डरा भी रहा हूं। एक आदमी एक ही वक्त पर दो जगह कैसे हो सकता है, यही सोच रही हो ना तुम? लीजा, उस दिन मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था। जानती हो वो सरप्राइज क्या था? हर्ष। यश का जुड़वा भाई हर्ष, ये मुझे लेने के लिए यूएस आ रहा था, लेकिन मैंने खुद यहां आकर इसे सरप्राइज दे दिया। हर्ष, मैं तुम्हें फोन करूंगा तब तू आना, मजा आएगा। ओके। इतनी देर कैसे लग सकती है?
यस सर। मैं यश का जुड़वा भाई हर्ष हूं। मार डाला सर को, मार डाला उन्होंने। क्या मतलब? उनकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने, मगर मुझे लगता है सर जिंदा है। क्यों मार रहे हो मुझे? वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने उसे सरप्राइज देके मार डाला। अगर मैं उस रात नहीं पहुंचता तो वो सचमुच मर गया होता। ये तो वो है जिसने तुम्हारी बेवफाई बर्दाश्त की। जी करता है तुम्हारा गला दबाकर यही तुम्हें दफना दूं। ए, हर्ष, क्या कर रहा है हर्ष? छोड़ो छोड़ो। देखा, इसे कहते हैं प्यार। ये इडियट तुमसे अब भी प्यार करता है। लीजा, मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी के लिए मेरी जान लेने के बजाय मुझसे प्यार से मांगा होता तो मैं सुसाइड नोट के साथ तुम्हें दे देता। लेकिन अफसोस, तुमने मेरे प्यार को समझा नहीं और आज एक कातिल की तरह मेरे सामने खड़ी हो। यश, तुम्हें भले ही माफ कर दे, लेकिन माफ माय वर्ड्स, यहां का कानून पीटर के मर्डर के जुर्म में तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। You are under arrest. No, Shiva! Hey! Stop! Stop it! Give me Liza! Come on, Liza, keep the gun down! Gun niche rakho, Liza! No! No! Try to understand. Give me the gun! Give me the gun! Liza, kya kar rahi ho? Liza! Liza, I love you, Liza! I love you! Liza, ruk jao! Liza, I love you, Liza! Liza! I love you! Sorry, Yash. I love you too. तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। रुक जा, लीजा रुक जा। मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाई। I'm sorry. Give me, नहीं। give me the gun. नहीं। Try to understand. लीजा, लीजा रुक जा, लीजा रुक जा। लीजा!